हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके साथ में उनसे रिलेटेड जो म्यूजिशियन है उसको यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स रिवीजन का ये टॉपिक नंबर 15 है। अब तक जितने भी टॉपिक्स पे वीडियो बने हैं उन सब का सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो आप उन प्लेलिस्ट से जो है जो पहले जो भी वीडियोस बना है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए, एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, अभी भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया है और आगे भी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पर। और अगर आपको इस क्लास में 30 से ज्यादा स्कोर आ रहा है, मतलब कि आपका इस टॉपिक पे अच्छा रिवीजन है, तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताल वाद यंत्र नहीं है? ताल वाद यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? घटम, तबला, मृदगम या सरोद? तो देखिए, सरोद होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आप सब लोग जानते हैं कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और विंड इंस्ट्रूमेंट। तो जिसको हम लोग पीट कर बजाते हैं वो हो गया आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें तार लगा होता है वो हो गया आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो हवा के माध्यम से जहां से साउंड निकलता है वो हो गया आपका विंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं सरोद, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें से विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? ओके, तो विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, तो मृदगम हो जाएगा। अब देखिए, मृदगम जो है हम लोग पीट कर बजाते हैं, यानी कि ये हो गया एक तरह का परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ओके, विंड इंस्ट्रूमेंट में आपका सहनाई हो गया, फ्लूट हो गया और सैक्सोफोन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, चिंकारा इज अ डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो चिंकारा है ये मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। किस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट है? तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक तरह का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्राइबल पीपल के लोगों द्वारा यूज होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक घटम इज ए डैश, घटम क्या है? अब यहां पर चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो घटम के बारे में तो आप जानते होंगे कि ये एक तरह का क्या है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। ओके, अगर आप इसके फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लार्ज नैरो माउथेड अर्थनवेयर पॉट यूज्ड एज ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली प्लेड इन अ वर्टिकल पोजीशन एंड विथ एन आर्च्ड बो। तो ये किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है? ये हो रहा है सारंगी के बारे में। ठीक है, सारंगी में टोटल 40 स्ट्रिंग्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि सारंगी में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, तो 40 स्ट्रिंग्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज ए मंगल वाद्य। तो किस संगीत वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सहनाई। ओके, नेक्स्ट है कि सहनाई इज ए विंड इंस्ट्रूमेंट विथ हाउ मेनी होल्स अलोंग द ट्यूब। सहनाई एक वायु वाद्य यंत्र है जिसकी नली में कितने छेद होते हैं, टोटल कितने होल्स होते हैं? तो 7 होल्स होते हैं। यहाँ पर जब आप होल्स को काउंट करेंगे तो ये आपको 7 मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र श्रेणी में आते हैं? फ्लूट इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में आता है? तो आप कहेंगे सुसीरा वाद्य। ओके, सुसीरा का मतलब हो गया हॉलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये जितने भी हॉलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब सुसीरा वाद्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट।
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय तार वाद्य यंत्र है? तो ट्रेडिशनल की बात हो रही है यहाँ पर, ट्रेडिशनल इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो वो सितार है, बहुत पहले से यूज हो रहा है। द सहनाई इज ए टाइप ऑफ डैश, सहनाई किस टाइप का है इंस्ट्रूमेंट? तो आप कहेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज ए डबल रीड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इंडिया, इनमें से कौन सा भारत का डबल रीड वाद्य यंत्र है? डबल रीड की बात करें तो वो सहनाई है। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा। अब हम लोग थोड़ा सा म्यूजिशियन के बारे में देखते हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर बजाते हैं, और संतूर से रिलेटेड ये बहुत ही फेमस पर्सन है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो संतूर से रिलेटेड आपको दो तीन नाम याद रखना है। पहला हो गया शिव कुमार शर्मा, इसके अलावा हो गए पंडित सतीश व्यास, भजन सपोरी, अभय सपोरी। तो कौन कौन से नाम याद रखने हैं? शिव कुमार शर्मा, पंडित सतीश व्यास, भजन सपोरी, अभय सपोरी, ये चार नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी काफी फेमस नाम है। हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। ओके, बांसुरी बजाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया। अब बांसुरी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया तो हो ही गए, उसके अलावा टी आर महालिंगम, पन्ना लाल घोष, रघुनाथ सेठ, ये चार नाम आपको और भी याद रखने हैं। ओके, टी आर महालिंगम, पन्ना लाल घोष और रघुनाथ सेठ। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्ला खान। अब देखिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न भी मिल चुका है, और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सहनाई बजाते हैं। ओके, सहनाई से रिलेटेड कौन कौन से फेमस पर्सन हैं? बिस्मिल्ला खान हो गए, कृष्णा राम चौधरी हो गए, अली अहमद हुसैन खान और अनंत लाल, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया अल्ला रखा। अल्लाह रखा जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो देखिए, ये बजाते हैं तबला, और एग्जाम में तबला से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए आपको अल्लाह रखा के अलावा जाकिर हुसैन को याद रखना है। जाकिर हुसैन को पिछले साल ही जो है पद्म विभूषण मिला है। उसके अलावा किशन महाराज, साबिर खान, अनोखे लाल मिश्रा, स्वपन चौधरी, ये पांच छह नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? किशन महाराज, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, साबिर खान, अनोखे लाल मिश्रा और स्वपन चौधरी। नेक्स्ट है पंडित रवि शंकर। अब इनको भी आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पंडित रवि शंकर को जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, ग्रैमी भी मिल चुका है, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, और रवि शंकर जो हैं वो सितार बजाते हैं। ओके, सितार से रिलेटेड कौन कौन से फेमस पर्सन हैं? तो रवि शंकर के अलावा विलायत खान, इमरत खान, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज खान, ये पांच नाम आपको याद रखने हैं। ओके, रवि शंकर, विलायत खान, इमरत खान, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज खान। अब देखिए, टी एच विनायकराम जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? टी एच विनायकराम जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो घटम बजाते हैं। ठीक है, घटम से रिलेटेड ये बहुत ही फेमस पर्सन हैं, टी एच विनायक्रम हो गए, इसके अलावा ई एम सुब्रमण्यम। ई एम सुब्रमण्यम को भी आपको याद रखना है कि ये भी घटम बजाते हैं। नेक्स्ट है टी आर महालिंगम, ये लिजेंडरी म्यूजिशियन है, और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। ओके, टी आर महालिंगम कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी से रिलेटेड मैंने कौन कौन सा नाम बताया था आपको? हरि प्रसाद चौरसिया, टी आर महालिंगम, पन्ना लाल घोष, रघुनाथ सेठ। अब देखिए अन्नपूर्णा देवी, ये जो अन्नपूर्णा देवी हैं ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सुरबहार बजाते हैं। अब देखिए, सुरबहार से रिलेटेड दो ही नाम बहुत फेमस है जो एग्जाम में पूछता है। पहला हो गया इमरत खान, ओके, उसके अलावा अन्नपूर्णा देवी। ओके,
इमरत खान के अलावा कौन हो गए? अनुपूर्णा देवी हो गए। और ये जो इमरत खान है वो सुरबहार के अलावा सितार वादक भी हैं। नेक्स्ट हो गया अप्पा जलगांवकर। अप्पा जलगांवकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? क्या होगा करेक्ट आंसर? अप्पा जलगांवकर की बात करें तो ये हारमोनियम बजाते हैं। ओके, और एग्जाम में अप्पा जलगांवकर बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा ओमकार अग्निहोत्री, तुलसीदास बोरकर, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हो गया संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अब कभी कभार जो है ये सब भी क्वेश्चन पूछ देता है शिवमणि के बारे में, तो ड्रम्स हो जाएगा। ओके, और ड्रम की बात करें तो ये कौन सा किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? तो आप कहेंगे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है ड्रम। नेक्स्ट है अली अकबर खान। अली अकबर खान बहुत फेमस नाम है। अली अकबर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। तो सरोद से रिलेटेड दो तीन नाम आपको याद रखने हैं। पहला हो गया अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान। ओके, ये जितने खान वाले हैं आपको, ब्रिज नारायण, ये सब सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषज्ञ थे? तो ये जो तानसेन जो थे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो रबाब बजाते थे। समझ गए, रबाब याद रखेंगे। नेक्स्ट हो गया सत्यदेव पवार। सत्यदेव पवार कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो अब क्या कहेंगे सत्यदेव पवार के बारे में? तो ये वायलिन बजाते हैं। ओके, सत्यदेव पवार कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। अब देखिए वायलिन से रिलेटेड दो तीन नाम याद रखना है आपको। एक तो हो गया ललिता और नंदिनी, समझ गए, ललिता और नंदिनी। उसके अलावा लाल गुडी गोपाल अय्यर जयराम। ओके, सत्यदेव पवार हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए। नेक्स्ट हो गया उस्ताद सुल्तान खान। उस्ताद सुल्तान खान ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो उस्ताद सुल्तान खान जो है ये सारंगी बजाते हैं। ओके, सारंगी बजाने वाले कौन है? उस्ताद सुल्तान खान। नेक्स्ट हो गया भजन सपोरी। तो मैंने अभी आपको बताया था भजन सपोरी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? संतूर बजाते हैं। संतूर से रिलेटेड शिव कुमार शर्मा, पंडित सतीश व्यास, भजन सपोरी, अभय सपोरी, तरुण भट्टाचार्य, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट हो गया लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये वायलिन बजाते हैं। और वायलिन से रिलेटेड आपको कौन कौन सा नाम याद रखना है? गोपाल अय्यर जयरामन, ललिता और नंदिनी, लक्ष्मी नारायण, सत्यदेव पवार। नेक्स्ट हो गया इमरत खान। आखिरकार इमरत खान आ गए। और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये सितार के अलावा सुरबहार बजाते हैं। नेक्स्ट हो गया विलायत खान। विलायत खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे सितार बजाते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया मोही बहाउद्दीन डागर। मोही बहाउद्दीन डागर जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये रुद्र वीणा बजाते हैं। समझ गए, रुद्र वीणा से तीन ही नाम आपको याद रखना है। पहला मोही बहाउद्दीन डागर, उसके अलावा उस्ताद असद अली खान। असद अली खान को भी आपको नाम याद रखना है। उसके अलावा जिया मोहिउद्दीन डागर, तो ये डागर वाले हो गए। उसके अलावा जो है आपको उस्ताद असद अली खान को भी याद रखना है। अब देखिए यू श्रीनिवास जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? यू श्रीनिवास जो है ये मैंडोलिन बजाते हैं, ये आपको याद रखना है। मैंडोलिन बजाते हैं यू श्रीनिवास। ई एम सुब्रमण्यम ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ई एम सुब्रमण्यम की बात करें तो ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो घटम बजाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। घटम से रिलेटेड टी एच विनायकराम, ई एम सुब्रमण्यम, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हो गया साकूर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो देखिए साकूर खान की बात होगी तो सारंगी बजाते हैं। सारंगी से रिलेटेड तो तीन नाम आपको याद रखना है, पंडित राम नारायण, साकूर खान, उसके अलावा सुल्तान खान, संतोष मिश्रा, रमेश मिश्रा। ओके, अब देखिए शेख चिन्ना मौलाना ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? शेख चिन्ना मौलाना की बात करें तो ये नाद स्वरम बजाते हैं। ओके, नाद स्वरम से रिलेटेड शेख चिन्ना मौला बहुत ही फेमस है। उसके अलावा जो है टी एन राजा रत्नम पिल्लई हो गए। ओके,
नेक्स्ट है राम नारायण। अब देखिए राम नारायण आ गए और ये एग्जाम में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सारंगी बजाते हैं। ओके, सारंगी से रिलेटेड आपको राम नारायण, शाकुर खान, बंदू खान, सुल्तान खान, संतोष मिश्रा, रमेश मिश्रा याद रखना है। उसके अलावा ब्रजभूषण काबरा, ये जो ब्रजभूषण काबरा हैं ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये गिटार बजाते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियंस का बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है और जिन भी स्टूडेंट्स को 30+ स्कोर आ रहा है मतलब कि वो इस टॉपिक को अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।